कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर इस्कॉन मंदिर में तैयारियों का दौर जारी है। भक्त झुलाएंगे भगवान को झूला, विद्युत रोशनी से रोशन होगा मंदिर। इस्कॉन मंदिर में तैयारियां हुई पूर्ण, लाखों की संख्या में भक्त करेंगे कृष्ण भगवान के दर्शन। धार्मिक नगरी उज्जैन में यूं तो हर रोज धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यहाँ विशेष महत्व है। खास बात तो यह है कि उज्जैन नगरी श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव दो दिन पहले ही मनाया जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर में 6 सितंबर व गोपाल मंदिर और इस्कॉन मंदिर में 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व मनाया जाएगा। ज्ञात हो कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर देवास रोड स्थित इस्कॉन मंदिर में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। इस्कॉन मंदिर पीआरओ राघव पंडित दास ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी पर्व पर 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की शुरुआत 6 सितंबर से होगी और समापन 8 सितंबर को होगा। खास बात तो यह है कि मंदिर में 3 दिवसीय होने वाले कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया जाएगा। इस्कॉन के भक्तों के लिए जन्माष्टमी का पर्व विशेष आनंद प्रदान करने वाला है, क्योंकि हम सब कृष्ण अनुरागी सेवक लोग हैं और इससे ज़्यादा आनंद का क्या विषय हो सकता है कि दूसरे दिन जो है प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, जन्माष्टमी के दूसरे दिन। और जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्म तो हो जाता है, लेकिन उनका जो उत्सव है नंद बाबा के यहाँ दूसरे दिन मनता है। तो इस प्रकार से हम जन्माष्टमी 3 दिन का उत्सव मना रहे हैं। 6 तारीख को सांस्कृतिक उत्सव होंगे, 7 तारीख को हमारे यहाँ जन्माष्टमी है। दिन भर दर्शन खुले रहेंगे, आकर्षक विद्युत सज्जा होगी, साथ ही भगवान का जो डेकोरेशन है फूलों से पत्तियों से बहुत सुंदर ढंग से होगा। पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, सीसीटीवी मेटल डिटेक्टर्स वगैरह से। और इस हेतु हमने माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी साहब और कमिश्नर नगर पालिक निगम को भी सूचित किया है यथा सहयोग के लिए। और इस प्रकार से दूसरा दिन, चूँकि रात को भगवान का जन्म होता है तो उत्सव दूसरे दिन मनाया जाता है नंद बाबा के यहाँ। तो वो उस दिन तो पूरा उपवास में निकल जाता है। शाम को 10:30 बजे अभिषेक होगा, 12 बजे महाआरती होगी और ये जो है दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया जाएगा। इसमें प्रभुपाद जी का जन्मदिन भी इसी दिन है, इसलिए उनकी महिमा का गुणगान किया जाएगा। पूरा ये जो प्रोग्राम है ये www.mayapur.tv पे लाइव रहेगा।